नजरे मिली, जाने क्यों होश उड़ने लगे। गाना एक लव सॉन्ग है और चार पांच गाने रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, चार पांच गाने रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, मतलब एक लव सॉन्ग है ये। क्या हुआ? बूम आ गया। और हाँ, और इसमें कितने गाने हैं टोटल? आप कितने गाने सिंगिंग कर रहे हैं इसमें? टोटल गाने सर पांच हैं इसमें, पांच गाने हैं और इसमें पहला गाना आज रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्या लाइन है गाने की? गाने तुझसे यूं जो नजरें मिली, तुझसे यूं जो नजरें मिली, जाने क्यों होश उड़ने लगे। थैंक यू सर। एल्बम का नाम क्या है? एल्बम का नाम हीरी है सर। हीरी है, पहले भी एक एल्बम आ चुके पंजाबी जी, तो हाँ। तो उससे कितना क्या कुछ मिला जुला कॉम्बिनेशन है कुछ ऐसा? ऐसा कुछ नहीं सर, ऐसा थोड़ी है कि अब हीरी है तो पहले आ चुका, तो फिर सेकेंड तो कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें है। अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो टाइटल से हैं। इससे पहले कितना आपका प्रोफाइल क्या है, क्या क्या काम कर चुके हैं? अभी सर प्रोग्राम करते थे कंसर्ट वगैरह बैंड्स में, वाराणसी में किए हैं, इससे मतलब लखनऊ में। मतलब आपकी शुरुआत है बॉलीवुड में ये? हाँ सर, मेरा पहला एल्बम है सर ये। क्या उम्मीद है आपको इससे? अब कोशिश करेंगे, कोशिश कर रहे हैं, अच्छा हो बस। हाय, आई एम शीतल काले। और आई एम चंदन राणे। इस एल्बम की बात करें, किस तरह के एल्बम है और आप किस तरह इसमें काम कर रहे हैं? ये लव सॉन्ग है और चंदन मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है, तो इन्होंने मुझे रिफ़र किया कि एक एल्बम हम कर रहे हैं, लव सॉन्ग कर रहे हैं, तो फिर आप करो हमारे साथ में। तो मैंने कहा ठीक है, चलो करते हैं साथ में। ये लव सॉन्ग बहुत ही प्यारा सॉन्ग है और इस सॉन्ग पे हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, और इससे ये है कि आगे हम लोग को जो है कि बहुत अच्छा, और ये गाना इतना अच्छा जाएगा, ये गाना मार्केट में इतना प्यारा होगा कि इसे हर एक न्यू यूथ के जो लड़के होंगे उनको काफ़ी, और जो नए लोग होंगे बहुत ही प्यार से गाना इसको बहुत लाइक करेंगे। तो उस बेस पे ये कहाँ पे शूट करने किए हैं इस गाने को? हम शूट करने के लिए खंडाला में लोकेशन, खंडाला में सोचा हुआ है हमने कि खंडाला जाके शूट करेंगे, और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट भी हमने सोच रखा है कि अच्छा कुछ अलग, जो हीरिये था पंजाबी सॉन्ग तो उसे बहुत ही अलग हम करने वाले हैं। हीरिये काफी पॉपुलर रहा है उन दिनों, यूट्यूब का इतना चलन नहीं था और काफी पॉपुलरिटी ले गया है, तो आपको क्या उम्मीद है इस गाने से? जी ये हम नॉर्मल जीरो बजट का सूट है वो। जी जी, हम इतनी उम्मीदें नहीं लगा सकते क्योंकि आखिरकार सब कुछ ऑडियंस पे होता है। जितना हम पब्लिसिटी करते हैं तो सेकंड थिंग की पब्लिसिटी पे होता है और ऑडियंस पे ज्यादातर होता है। ऑडियंस कितना पसंद करती है, जितना ये गाना सुनेगी उसको उतना अच्छा लगेगा, तो बहुत सारा प्यार हम लोग को ये उम्मीद है कि मिलेगा। आपका प्रोफाइल क्या है, क्या क्या काम जी? मैं इससे पहले मैंने दो मूवीज की है, एक अंजुम रिजवी जी के साथ में की है, ब्रेकअप नाम है मूवी का जो बहुत जल्द रिलीज पे है अभी, और दूसरी की है अब्दुल सत्तार की, उसका नाम है अटल फैसला, तो वो भी बहुत जल्द रिलीज पे है। तो मेरी इस साल में शायद दो फिल्में रिलीज पे है। थैंक यू सो मच। मेरा नाम है जितेंद्र श्रीवास्तव। तो एल्बम के बारे में कुछ बताइए, किस तरह का एल्बम? ये एल्बम है रोमांटिक एल्बम है और मेरा टाइटल है हीरिये टाइटल है। हमने तो सोचा है कि मतलब कि इसको अच्छे तरीके से बनाया जाए और अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट करे और अच्छे तरीके से उसको रिलीज करे कि जो मतलब पब्लिक के बीच में आए, तो लोग देखें तो लोग कहें कि मतलब कि हाँ कुछ अच्छा एल्बम लोग ने बनाया है। तो इस गाने की शूटिंग कहाँ कहाँ होने वाली है? इस गाने की शूटिंग हम लोग खंडाला शूट करेंगे। और क्या इसमें खास है कि ऑलरेडी हीरिया सॉन्ग आ चुकी है एक टाइम पर, वो काफ़ी पॉपुलर हो चुकी थी? जी जी। मिलता जुलता है? नहीं नहीं, उससे मिलता जुलता नहीं है, हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस कर रहे हैं क्योंकि हम किसी के कॉपी नहीं कर रहे हैं, हम कुछ अपना नया टैलेंट दिखाना चाह रहे हैं, मतलब कि आज के ऑडियंस के बीच में। बॉलीवुड में आए दिन बहुत सारे लव सॉन्ग आते आ रहे हैं, तो आपको क्या एक्सप्रेशन है इस सॉन्ग से? इस सॉन्ग से हमको मतलब ऐसा है कि हमको कॉन्फिडेंस है कि हम जो ये सॉन्ग कर रहे हैं काफ़ी कैची मतलब इसका गाने हैं,
और ये मतलब मार्केट में जब आएगा तो ऑडियंस को खुद ही पता चल जाएगा कि हम लोग ने क्या किया है। मैं अभी कुछ इसके बारे में बता नहीं सकता हूँ। जैसे कि आप डायरेक्टर हैं जी, इससे पहले आपने कौन कौन से सॉन्ग, इससे पहले एक्चुअली देखिए इससे पहले मेरी फर्स्ट मूवी आ चुकी है लाइफ में ट्विस्ट है, उस फिल्म को मैंने प्रोड्यूस किया था। और भाई ये एल्बम में इसके लिए मैं मतलब डायरेक्शन कर रहा हूँ, और आने वाली जो मेरी फिल्म है पाकी शादी बेटा बराती, वो नवंबर से मेरा वो प्रोग्राम, उसको बड़े बजट की मूवी है, नवंबर से उसको स्टार्ट कर रहा हूँ। इस एल्बम में टोटल कितने गाने हैं? और इससे एल्बम में टोटल 5 गाने हैं। फर्स्ट हम गाने इसी के मतलब तैयारी कर रहे हैं, मतलब स्टेप बाय सब हम लोग आगे कार्यक्रम करते रहेंगे। कैसा फील हो रहा है जब एक डायरेक्टर अपने जो सिंगर है उसको गाते हुए देखता है और उसको इमेजिनेशन करने लगता है कि मैं ये लाइन को यहाँ पे शूट करूँगा, तो कैसा फील है? देखिए फील तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब चलो ठीक है, हमारा ये काम है, मतलब हमको काम करने में और मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा, तो फील काफ़ी अच्छे हम इसके प्रति सोच रहे हैं। लाइफ में पहली बार मैंने एल्बम कर रहा हूँ, बस फिल्म तो मैं कर चुका हूँ, आने वाली फिल्म भी जो मैं कर रहा हूँ नवंबर में कर रहा हूँ पाकी शादी बेटा बराती, तो उसके ऊपर भी मतलब मैं काफ़ी तैयारी कर रहा हूँ, और जो एल्बम कर रहा हूँ इसके लिए भी काफ़ी तैयारी किया हुआ है कि मुझे इसको किस तरीके से शूट करना है। इस एल्बम में कुछ बड़े सितारे नज़र आएंगे सिंगिंग के? इसमें सिंगिंग का मतलब अभी उसके बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, वो स्टेप बाय स्टेप हम लोग करेंगे। पहला अभी जो लड़के से गवा रहे हैं, नया लड़का है, उससे गवा रहे हैं, उसकी वॉइस काफ़ी अच्छी है, बस उसको क्या है कि थोड़ा सा म्यूजिक डायरेक्टर का काम होता है कि उसको किस तरीके से तैयार किया जाता है। इस म्यूजिक डायरेक्टर का काम तो रहता है जी, साथ में डायरेक्टर भी काम भी काफ़ी 100% डायरेक्टर का काम होता है ये है कि मतलब उसको डायरेक्शन करे, उसको मतलब अच्छी तरीके से उसको मेकिंग करे, और अच्छी तरीके से उसको मतलब जो आर्टिस्ट हैं उसको अच्छी तरीके से उसको परफॉर्म कराए, और अच्छी तरीके से उसको रिलीज करे कि जो ऑडियंस तक ये चीज़ें एल्बम पहुँचे, लोगों को पता चले कि ये हेरियट टाइटल है। थैंक यू सो मच सर। ओके वेलकम। मेरा नाम पवन मुरादपुरी है, और हीरिए करके एक मेरी बहुत ही सुंदर एल्बम आ रही है, और इसके सिंगर रजनीकांत यादव जी हैं, बहुत ही अच्छे सिंगर हैं, वॉइस भी बहुत ही मतलब कि अभी बॉलीवुड में वो इनकमिंग उनका बहुत ही अच्छा हो रहा है, और आगे जाकर ही बहुत ही अच्छा करेंगे, बिकॉज सबको मौका मिलना चाहिए इंडस्ट्री में, सब नहीं होते हैं, कोई भी पुराने नहीं होते हैं, उस हिसाब से यादव जी बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। किस टाइप का ये गाने की लाइनिंग है? सोनिया हीरिए। नहीं 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 नहीं, एक्चुअली कॉपी तो सारे गाने होते हैं, सारे वर्डिंग, कोई भी वर्ड किसी का कोई पेटेंट नहीं होता है। आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उसने हीरिए का वर्ड काफी यूज किया आपने। लास्ट क्रॉस लाइन में है वो, जिसका डायरेक्टर जो अपने जितेंद्र जी हैं, उन्होंने जो जहाँ पे सेट किया है उसके हिसाब से बहुत ही अच्छा है। पंजाबी थीम है इसका? नहीं, पंजाबी थीम नहीं है, एरिया पंजाबी वर्ड है, है लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हम पंजाब के लोग ही यूज कर सकते हैं, कोई भी यूज कर सकता है उसको। तो नया क्या है इस एल्बम में? नया वॉयस अच्छी है, न्यू कमर सिंगर है, और उस हिसाब से एक नए सिंगर को मौका मिल रहा है बॉलीवुड में, उस हिसाब से बहुत अच्छा है जी। वॉयस कंपोजिशन जो है उस पर बहुत ही सेट कर रहा है उसकी वॉयस, इस हिसाब से उसको लिया गया है। सिंगर तो अपना गाना गाता है लेकिन इसको सजाना, म्यूजिक डायरेक्टर काम होता है। तो मैंने मैं जो भी मेहनत हुआ उस हिसाब से बहुत ही अच्छा है, और लड़का बहुत ही अच्छा करेगा। तो इस गाने की शूटिंग कहाँ का होने वाली है, कुछ आईडिया? शूटिंग शायद ये लोग मुंबई में ही करेंगे, लोकेशन का मुझे पता नहीं है, आगे जो भी हो डायरेक्टर साहब बताएंगे, तय करेंगे कहाँ शूट होने वाला। तो आपको कितना मजा आया? गाना तो बहुत ही अच्छा है, गाना सुपर डुपर हिट है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सारे लोग नए होते, मैंने बोला ना पहले भी बोला, सारे लोग नए होते हैं, और शुरुआती दौर से ही कुछ कोई आगे बढ़ता है, ऐसा नहीं कि कोई भी सीख के आता है पहले से, पहले छोटा करते 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 बड़ा होता है, वही बात है। और क्या, इसके पहले कौन कौन से म्यूजिक बनाया? मैं अभी मेरी आने वाली फिल्म है ग्रीन सिग्नल, एक है कोड ब्लू, उसके बाद एक फिल्म मेरी आ रही है, दो फिल्म मेरे जहन में है अभी, एक तीसरी मूवी, एक इससे पहले मैं एक परफेक्ट रेस्ट पीजी कर चुका हूँ, ये दो लेटेस्ट मूवी मेरी आ रही है।